इंसान का बनाया हुआ निर्जीव दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है, जूझता है, लेकिन हार नहीं मानता। और परमात्मा के बनाए हुए हम सब दिए हैं, फिर क्यों अंधेरों से डरते हैं, क्यों परेशानियों में घबरा जाते हैं। समुद्र से छिटकी हुई एक बूंद, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई भी उसे कुचल करके समाप्त कर सकता है, हवा उसे सुखा सकती है, लेकिन वही समुद्र की बूंद जब समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, तो सागर बन जाती है। हम आप सब वही बूंद हैं जो परमात्मा के सागर से छिटक करके दूर हो गए हैं। पुरुषार्थ करना है अपनी उस बूंद को परमात्मा रूपी सागर से मिला देने का। हम क्या नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते, कभी इसका बोध करिए। हमारे अंदर अनंत छिपी हुई क्षमताएं हैं, कभी इन पर शोध करिए। आत्मा अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। अपनी बूंद को सागर बनाना है, परमात्मा से मिलाना है, तभी जीवन की संभावनाएं विकसित हो जाती हैं। धन्यवाद। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपकी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही? आज से 20 साल पहले जिस स्थिति में थे, वही स्थिति आज तक क्यों मेंटेन है? क्यों तरक्की नहीं हुई, क्यों बरकत नहीं हुई? आप आज भी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? मनो भाइयों, एक सटीक उपाय हमारे शास्त्र बताते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, और उस दिन करना एक काम है, जब भी अश्लेषा नक्षत्र पड़ता है उस दिन ये काम करना चाहिए। अक्षय वट के पास जाना है, अक्षय वट यानी बरगद भी उसको हम कहते हैं, और अक्षय वट के बारे में आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि संसार में जो भी वस्तु आई है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो नष्ट जरूर होती है, लेकिन अक्षय वट मृत्यु लोक में आकर भी कभी नष्ट नहीं होता, प्राकृतिक रूप से नहीं नष्ट होता, कोई काट दे वो बात अलग है। अक्षय वट की साधनाएं हमें ज्ञान देती है, हमें दीर्घायु देती है, हमारे जीवन में प्रगति का रास्ता खोलती है। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान बरगद के नीचे ही मिला था, अक्षय वट के नीचे ही मिला था। उपाय क्या करना है? सुबह स्नान ध्यान पूजन करने के बाद जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो उस दिन आप एक अक्षय वट के नीचे जाइए, वहां प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो तरक्की रुकी हुई है उस तरक्की को आप अक्षय कर दीजिए। हमारे जीवन में तरक्की अक्षय रूप से हो, धन की व्यवस्था अक्षय रूप से हो, सुख शांति अक्षय रूप से हो। दो पत्ते लेकर के आने हैं जो एक तने से जुड़े हुए हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ घर में लाना है। एक पीले रुमाल का आसन दे करके और हल्दी से उस पर मांगलिक चिन्ह जैसे ओम श्रीम या स्वास्तिक बना करके पीले रुमाल पर आसन दे करके अपने रसोई घर में रख देना। आपके रसोई के बर्तन कभी खाली नहीं रहेंगे, जीवन में तरक्की होती रहेगी, धन और अन्न धन सभी से। धनवायु, ये प्रयोग जब विशेष रूप से मंगलवार के दिन होता है, यानी मंगलवार को अश्लेषा नक्षत्र होता है, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आगामी 12 सितंबर का जो दिन है वो मंगलवार का है और उस दिन अश्लेषा नक्षत्र है। उस दिन तो जरूर आप इस प्रयोग को करिए, वैसे जब भी अश्लेषा नक्षत्र हो तब आप इस प्रयोग को किया करिए। जीवन में तरक्की में जो व्रत लग गया है, आपकी बरकत में जो व्रत लग गया है, वो व्रत खत्म होकर के
आप सुखी रहें, समर्थ रहें। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।